का शहर में आने वाली 18 अगस्त की तैयारियों के लिए भाजपा पार्टी के कार्यकर्तागण विधायक लतिका शर्मा के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंकते हुए युद्ध स्तर पर एक दिन रात जुटे हैं ताकि जन आशीर्वाद यात्रा सफल हो सके। इसी संबंध में विधायक कालका लतिका शर्मा के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया। 18 तारीख को कार्यक्रम है और देखो ये कार्यक्रम आप लोगों का अपना कार्यक्रम है और वो समय होना चाहिए जब कालका का एक एक बच्चा और एक एक परिवार का सदस्य कालका का दोनों वार्डों के सारे निकलने चाहिए। पीछे मैंने कमला नगर में ये डीएन शर्मा ने एक बैठक कराई मेरी कि अभी हम 10 बंदे हैं। मैं कोई बात नहीं भाई, 10 हो 5 हो, गुरु नाम जी के यहाँ लगातार मतलब हमारा कुछ ना कुछ महिला मोर्चा लगातार लग रहा है, सभी युवा किशोरी सब लग रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। देखो पार्टी वाले तो लग ही रहे हैं लेकिन पार्टी और आप में आज के दिन फर्क नहीं है, सारी आजकल भाजपा है, कोई नेलो नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। और 370 धारा टूटने के बाद पूरा देश एक मत माननीय मोदी जी के समर्थन में खड़ा हो गया। तो आपको भी कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी, तो 370 धारा के टूटने के बाद मोदी जी आपने खट्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं और राजनाथ जी आ रहे हैं और जयराम जी आ रहे हैं। लेकिन इस बात की चर्चा आप जब लोगों के बीच में करोगे कि भी 8 बजे तक तो कालका वालों को सबसे पहले आ जाना चाहिए और कालका वालों को बल्कि औरों को स्वागत भी करना चाहिए कि नहीं, और जितने प्रमुख लोग हैं उनको तो कालका में बीच में भी लोगों को मिलने का और महिलाओं को इनको यहाँ बैठाने का और कालका वासियों का कि जो व्यवस्था रहे पानी की जो भी करनी है और सबको रिसीव करें कालका वाले। तो मैं इसी विश्वास के साथ कि मेरे को विश्वास हो गया, मैं पहले कई दिन बड़े परेशान रही, बार बार मेरे इंदरवाल सारे कहते हैं कि मैडम जस सर क्या जरूरत है, आप क्यों परेशान हो, घूमते हो क्यों परेशान। मैं कहा भैया टेंशन तो होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन अब जब से कल से मीटिंग में जा रही हूँ कालका में और मेरा सारा दामोदर कालका के ऊपर, मैं चाहती हूँ देखो कार्यक्रम तो सफल हो ही जाएगा, हमेशा होते हैं लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा होता है जो मन से होता है कि भी सीएम साहब हमारे से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, माननीय अपना हमारी कालका देवी के बाद आप लोगों से भी लेने आ रहे हैं कालका से, तो क्योंकि हम लोग कालका मंदिर के साथ हैं। जितनी कहते हैं ना जो कहीं पे होता है कि ठंडी हवा चल रही है तो पहले वहीं वालों को मिलती है, तो मंदिर हमारे यहाँ पे सब कुछ होता है, ठीक है, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है।